वाइफ को लगता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, तो एक लड़की को हायर कर दी है उसके हस्बैंड को सीड्यूस कराने के लिए। बात तब बिगड़ती है जब ये लड़की वाइफ से ही अब्सेस्ड हो जाती है। यही हमारी मूवी की स्टोरी लाइन है जिसका नाम है क्लोई। ये 2009 की थ्रिलर मूवी है। तो चलिए मूवी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्लोई ये इंट्रोड्यूस कराई जाती है। एक्चुअल में क्लोई एक प्रोस्टिट्यूट है, तो हमसे कहती है कि जो मैं करती हूँ ये करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लोगों की फैंटेसी में फुलफिल करती हूँ। अगर वो मुझे टीचर की तरह देखते तो मैं टीचर की तरह बन जाती हूँ, अगर सेक्रेटरी की तरह तो सेक्रेटरी। क्लोई की इंट्रोडक्शन यही खत्म होती है। नेक्स्ट हमें डॉक्टर कैथरीन दिखाई जाती है। कैथरीन हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, ये एक गायनेकोलॉजिस्ट है। कैथरीन के इंट्रोडक्शन सीन में हम देखते हैं कि उसके पास एक औरत आई हुई है। वो उससे कहती है कि कभी भी मुझे ऑर्गेजम नहीं हुआ है। कैथरीन उससे कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ मसल्स के कंट्रैक्शंस वगैरह ही होते हैं। ये सीन कैथरीन के कैरेक्टर को लेकर हमारी मूवी के लिए कुछ इस्टेब्लिश करता है। कैथरीन इंटीमेसी और प्लेजर इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कैथरीन का हस्बैंड जिसका नाम है डेविड ये हमसे इंट्रोड्यूस होता है। डेविड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, उसके स्टूडेंट्स वगैरह उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट से वो सही तरीके से कनेक्ट कर पाता है। आज डेविड का बर्थडे है, वो आज भी लेक्चर देकर फ्लाइट से घर आने वाला है। उसके स्टूडेंट्स को मालूम है कि आज डेविड का बर्थडे है, तो उसे कहीं बाहर लेकर जाने के लिए उसे पूछते हैं। डेविड उन्हें मना कर देता है, वो कहता है कि मेरी फ्लाइट है और मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। कैथरीन ने डेविड के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। कैथरीन और डेविड को एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है माइकल। पार्टी में माइकल अपनी गर्लफ्रेंड एना को लेकर आता है। कैथरीन अपने बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ देखकर जरा अनकंफर्टेबल होती है। पार्टी में सब लोग डेविड का वेट कर रहे हैं, तभी डेविड कैथरीन को कॉल करता है। उसे कहता है कि मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है, वो आज रात बहुत ही लेट घर आएगा। ये जब कॉल चल रहा था तो डेविड अपने एक स्टूडेंट के साथ है, ये हम देख सकते हैं। कैथरीन सब लोगों को कहती है कि आज डेविड नहीं आ पाएगा, पर वो सब लोगों को पार्टी कंटिन्यू करने के लिए कहती है। रात में कैथरीन को नींद नहीं आती। जब वो थोड़ी सी बाहर आती है तो वहां उसे दिखता है कि माइकल की गर्लफ्रेंड अभी भी उसके पास ही है। वो माइकल पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं रह सकती। जब सुबह होती है तब हम देखते हैं कि डेविड घर पर आ चुका है। डेविड कैथरीन से सॉरी कहता है। कैथरीन बोलती है कि मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। डेविड को अपने बर्थडे अच्छे नहीं लगते, उसकी एज बढ़ती जा रही है तो उसे अच्छा नहीं लगता। कैथरीन ने डेविड के लिए एक स्कॉच की बॉटल एज अ गिफ्ट लाई थी। वो एक्सपेक्ट करती है कि कैथरीन और डेविड आज रात जरा सेलिब्रेट करें, पर डेविड कहता है कि मुझे बहुत ही काम है, वो लेट ही घर पर वापस आने वाला है। कैथरीन फिर नोटिस करती है कि माइकल की गर्लफ्रेंड घर गई ही नहीं थी। वो बहुत ही चिढ़ जाती है और माइकल से कहती है कि ये क्या था, तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को रात भर घर नहीं रख सकते। माइकल कहता है कि मैंने डैड से कहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैथरीन माइकल को प्रोटेक्शन यूज करने के लिए कहती है, इंडियन पेरेंट्स होते तो मार डालते। कैथरीन नीचे आती है और डेविड का फोन बज होता है। वो जब चेक करती है तो वहाँ डेविड के साथ उसकी स्टूडेंट का एक फोटो है और वहाँ लिखा है कि थैंक्स फॉर लास्ट नाइट। कैथरीन को अब शक होता है कि शायद डेविड का अफेयर चल रहा होगा। उसे लगता है कि डेविड ने जानबूझकर फ्लाइट मिस की थी। एक रात कैथरीन और डेविड अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए बाहर आते हैं। यहाँ कैथरीन फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में जाती है, तभी वहाँ वॉशरूम में कोई रो रहा है। कैथरीन को बुरा लगता है और जो कोई भी रो रहा है उसे वो टिश्यू पेपर देती है। वॉशरूम से बाहर क्लोई आती है। क्लोई कहती है कि आदमी बहुत ही घटिया होते हैं, यानी कि अभी अभी उसका कोई ब्रेकअप हुआ है। कैथरीन भी इसके लिए एग्री करती है। क्लोई अपने पर्स में से एक हेयर पिन निकालती है और वो झूठ कहती है कि मुझे ये हेयर पिन यही मिली है। कैथरीन से कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम ये रख सकती हो। कैथरीन ने अभी अभी उसे जो काइंडनेस दिखाया उसे एज ए रिपे वो करना चाहती है, पर कैथरीन कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे रख लो। अपना डिनर कंटिन्यू करने के लिए फिर से कैथरीन नीचे आ जाती है। क्लोई जब इनके टेबल के पास से जाती है तब कैथरीन के फ्रेंड को पता चल जाता है कि एक सेक्स वर्कर थी। ये फ्रेंड कहता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, पर यहाँ ये सब चलता रहता है। यहाँ पर अलग अलग बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए आते हैं और सेक्स वर्कर्स के साथ मजा करते हैं। फ्रेंड को ये चीज सही लगती है, उसे लगता है पैसे देखकर सब कुछ हमारी नीड्स कंप्लीट हो जाती है और कोई इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं रहती। यहाँ हम डिनर पर देख सकते हैं कि डेविड एक वेट्रेस से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। कैथरीन को ये चीज खटकती है। जब वो घर आते हैं तो कैथरीन डेविड से कहती है कि जो वेट्रेस थी क्या वो तुम्हें पसंद आए, तुम उसे फ्लर्ट कर रहे थे। डेविड कहता है मैं सिर्फ फ्रेंडली था, ये जो वेट्रेस वगैरह होते इन्हें लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते,
इसीलिए मैं उनसे जरा अच्छे से बात करता हूँ, अच्छी टिप्स देता हूँ, इसमें गलत क्या है। कैथरीन और पूछती है कि क्या तुमने इंटेंशनली अपनी फ्लाइट मिस कर दी थी। डेविड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मिस हो गए, मैंने जानबूझ कर ये नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट डे कैथरीन अपने काम पर है, वो नीचे से क्लोई को जाते हुए नोटिस करती है। कैथरीन को पता है कि क्लोई एक प्रोस्टिट्यूट है। थोड़ी देर में क्लोई जिस होटल में गई थी उसी होटल में कैथरीन भी आ जाती है। कैथरीन के पास क्लोई आती है, ये दोनों बात करती है और कैथरीन उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। कैथरीन बोलती है कि मेरे हस्बैंड को तुम पसंद आओगी। क्लोई ये सुनकर सरप्राइज होती है, वो पूछती है क्या तुम्हारे हस्बैंड के लिए औरतें तुम चूज करती हो। कैथरीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैथरीन फिर अपनी प्रॉब्लम बताती है, कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है। वो चाहती है कि क्लोई उसके हस्बैंड को अप्रोच करे। वो फिर क्या करता है ये सब कुछ कैथरीन को जानना है। डेविड हमेशा एक कैफे में जाता है तो वहाँ क्लोई उसे मिल सकती है, ये सब इन्फॉर्मेशन कैथरीन उसे देती है। जैसा कैथरीन ने कहा था वैसा ही क्लोई करती है, वो डेविड से जाकर बात करती है। इसके बाद कैथरीन और क्लोई एक कैफे में मिलते हैं। क्लोई फिर बताती है कि क्या हुआ था। वो कहती है कि तुमने जैसे कहा था वैसे ही डेविड न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैं उसके पास गई और उससे मैंने शुगर मांगी, फिर हम बात करने लग गए। उसने मुझे पूछा कि क्या मैं स्टूडेंट हूँ और बहुत ही फ्रेंडली वैसे मुझसे वो बात कर रहा था। उसने मुझसे ज्यादा फ्लर्ट वगैरह नहीं किया, वो बहुत ही क्यूट है। कैथरीन क्लोई से पूछती है कि तुम जो एक काम करती हो ये कैसे कर पाती हो। क्लोई कहती है कि हर आदमी में एक अच्छाई होती है, यही अच्छाई मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारी अजीब चीजें भी मुझे देखने के लिए मिलती है, जैसे कि तुम अपने हस्बैंड को मुझसे मिलवाना चाहती हो। कैथरीन फिर क्लोई को उसके पैसे देती है और बोलती है कि और एक बार हम ट्राई कर देखेंगे, इसके बाद ये सब हम खत्म कर देंगे। रात में भी डेविड जब घर पर होता है तो अपने स्टूडेंट के साथ हंस हंस कर बातें करता है, जो कैथरीन को पसंद नहीं आता। कैथरीन के बेटे माइकल से उसकी गर्लफ्रेंड स्काइप पर ही ब्रेकअप कर रही है। कैथरीन वहां से गुजर रही थी तो वो देखने सुनने लग जाती है। उसका बेटा उस पर बहुत चिढ़ जाता है। कैथरीन फिर डेविड के पास आती है, वो कहती है कि माइकल को लेकर वो बहुत ही परेशान है। माइकल पहले डिस्टर्ब रहता था इसलिए उसे थेरेपिस्ट के पास भी वो भेजते हैं। डेविड कहता है कि तुम वरी मत करो, माइकल के डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, वो सब कुछ अब सही कर रहा है। कैथरीन का टेंशन दूर करने के लिए डेविड उसे ड्रिंक ऑफर करता है। कैथरीन कहती है कि मेरा सर दुख रहा है, पर डेविड उसे इंसिस्ट करता है। डेविड हमारा बहुत ही चार्मिंग, इंटिमिडेटिंग और हैंडसम कैरेक्टर है। कैथरीन भी शर्मा कर ये ड्रिंक उसे ले लेती है। ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप पहले जैसी थी वैसी अब नहीं रही है। डेविड को इस बात को लेकर बुरा लगता है, वो कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से इतनी दूरियां क्यों बना ली। हम एक दूसरे को एयरपोर्ट से पिकअप करते थे, हमेशा एक साथ ही रहते थे, हम दोनों में इतना डिस्टेंस कैसे आ गया। कैथरीन कहती है कि मुझे पता नहीं, हम जरा बिजी हो गए। ये दोनों यहाँ भी एक दूसरे से डिस्टेंस बनाते हैं। डेविड को बहुत काम है तो कैथरीन के साथ वो आज रात इंटीमेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट सुबह कैथरीन देखती है तब उसका बेटा माइकल सिर्फ अपने फादर से ही बात करता है। उसका ब्रेकअप हुआ तब अपने फादर को ही इसके बारे में बताता है। कैथरीन को लगता है कि शायद डेविड पर वो ऐसे ही शक कर रहे थे। वो फिर से क्लोई को मिलती है, वो कहती है कि तुम्हें फिर से डेविड को अप्रोच करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम चल रहे थे इसीलिए मुझे लग रहा था कि डेविड का कोई अफेयर होगा, पर यहाँ क्लोई कहती है कि मैंने ऑलरेडी डेविड को अप्रोच किया। तब क्या क्या हुआ यह सब वो उसे बताने लग जाती है। वो कहती है कि जब मैं डेविड के पास गए तब उसने मुझे सैंडविचेस वगैरह ऑफर किया, हम दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए। उसके म्यूजिक के बारे में डेविड ने मुझे बताया, वो पहले हेसिटेंट था पर उसने मुझे पूछा क्या वो मुझे किस कर सकता है। हम दोनों एक दूसरे के जब पास आए तब उसने मुझे मना कर दिया, उसने कहा कि वो मैरिड है। फिर उसने पूछा क्या हम किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां हमें कोई भी नहीं देखेगा। उसके बाद क्लोई उसे एक गार्डन में लेकर गए, वह ग्रीन हाउस था जहां अंदर वो गए, वही जाकर वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। ये सब जब कैथरीन सुनती है तब क्लोई पर बहुत ही वो नाराज हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें उससे सिर्फ बात करने के लिए कहा था, ये सब चीजें करने के लिए नहीं, और वहां से चिढ़कर वो निकल जाती है। क्लोई उसे कहती है कि तुम चाहती क्या हो ये मुझे समझ में नहीं आता। बाहर कैथरीन की गाड़ी पार्किंग में स्टक हो चुकी है। क्लोई अपनी बाइसिकल से जा रही होती है पर रोड पर आइस है जिससे वो गिर जाती है। कैथरीन ने देखती है और क्लोई को हेल्प करने के लिए उसे मलम पट्टी वगैरह करती है। वो फिर उसे क्लोई से कहती है कि तुम्हारे हेल्थ चेकअप और उसके रिजल्ट सब मुझे चाहिए। कैथरीन अब फिर से चाहती है कि क्लोई डेविड को और एक बार अप्रोच करे। डेविड अगर सचमुच में कैथरीन से प्यार करता है तो फिर से वो क्लोई के साथ नहीं रहेगा। क्लोई फिर अपने टेस्ट रिजल्ट लेकर कैथरीन के पास आती है। यहाँ अपनी मदर से मिलने के लिए माइकल भी आता है। क्लोई और माइकल ये दोनों बात करने लग जाते हैं। क्लोई माइकल से कहती है कि तुम्हारी नजर तुम्हारी मदर की तरह ही है।
माइकल को यह सच नहीं लगता तो क्लोई कहती है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मदर से मैच नहीं करती, पर जिस तरह से तुम देखते हो एक स्टेयर वो तुम्हारी मदर की तरह ही है। यहाँ पर क्लोई माइकल से फ्लर्ट कर रही थी। क्लोई कैथरीन से मिलकर वहां से चली जाती है। माइकल भी कैथरीन के पास जब आता है तब कैथरीन उसे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करती है, पर माइकल को अपनी मदर से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कैथरीन को बहुत ही डिसअपॉइंटेड महसूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैथरीन अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही है, तभी उसे क्लोई का मैसेज आता है। इसमें क्लोई ने लिखा है कि वो और डेविड एक होटल में जा रहे हैं। कैथरीन की फ्रेंड्स बात कर रही थी कि उनकी एक फ्रेंड का अफेयर चल रहा है। कैथरीन भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, तो उन्हें लगता है कैथरीन का भी चक्कर चल रहा है। अब एक क्लोई का मैसेज कैथरीन को आया है तब कैथरीन वहां से चली जाती है। उस होटल रूम में पहुंचती है, बेड वगैरह देखकर वो कंक्लूड करती है कि क्लोई और डेविड एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। कैथरीन जब क्लोई से पूछती है तब क्लोई सब डिटेल्स डेविड और वो किस तरह से इस होटल तक आए ये सब उसे बताती है। कैथरीन को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद ये दोनों नीचे आती है। क्लोई की खुशबू बहुत ही अच्छी है तो कैथरीन पूछती है ये कौन सा सेंट है। क्लोई कहती है कि एक लोशन है। ये लोशन कैथरीन के हाथ पर वो लगाती है। कैथरीन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना कोई भी मोमेंट हम नहीं बिताते थे। कैथरीन क्लोई से पूछती है क्या तुमने भी कभी ये फील किया है। क्लोई कहती है कि हाँ। कैथरीन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। क्लोई उसे जरा संभालती है, उसके पास आकर उसे डायरेक्टली किस कर लेती है। कैथरीन को यह सही नहीं लगता और वहां से चली जाती है। रात में माइकल का परफॉर्मेंस था। कैथरीन और डेविड दोनों आए हुए हैं पर एक दूसरे से वो दूर बैठते हैं। बाद में डेविड कैथरीन के पास आता है और उसके हाथ को किस करता है। वो एक परफ्यूम स्मेल करता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है। कैथरीन कहती है कि ये एक लोशन है। कैथरीन डेविड पर और भी नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि यही स्मेल क्लोई से भी आ रही थी। डेविड कितना प्रिटेंड करता है। कैथरीन डिस्टर्ब होकर रात में क्लोई के पास आती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाती है। कैथरीन क्लोई को पैसे देती है और वो फिर से क्लोई से नहीं मिलने वाली। मूवी के फर्स्ट में जो हेयर पिन क्लोई कैथरीन को देना चाहती थी वो फिर से निकालती है। वो कैथरीन को कहती है कि ये मेरी ही हेयर पिन है, मेरी मदर ने मुझे दी थी। जब हम पहली बार मिले थे तब हेयर पिन मैं तुम्हें देना चाहती थी। क्लोई फिर से कैथरीन से मिलना चाहती है पर कैथरीन कोई भी प्रॉमिस नहीं करती। ये दोनों कैथरीन के घर के बाहर ही एक कैब में थे। क्लोई ने कैथरीन का घर देख लिया है। कैथरीन जब घर में इंटर करती है तो डेविड कहता है कि वो कौन है। डेविड को लगता है कि कैथरीन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो पूछता है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। कैथरीन कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। डेविड कहता है कि पूरी रात तुम घर से बाहर थी। कैथरीन कहती है कि तुम्हारी तरह मैं सीक्रेटिव नहीं रह सकती, जो भी लड़की तुम्हें मिलती है उससे तुम फ्लर्ट करने लग जाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। ये दोनों बहुत झगड़ते हैं। नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि कैथरीन जब अपने क्लिनिक पर है तब उसे क्लोई का एक ईमेल आया है। इस ईमेल में जब क्लोई और कैथरीन इंटीमेट हुए थे इसकी एक फोटो है। थोड़ी देर में क्लोई कैथरीन से मिलने के लिए आती है, उसके लिए फूल भी लाती है। क्लोई कैथरीन से कहती है कि हम दोनों में जो है ये बहुत ही यूनिक है। क्लोई के मन में कैथरीन को लेकर जरा फीलिंग्स आ चुकी है। वो कैथरीन के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहती है। कैथरीन कहती है कि कल रात अच्छी थी पर वो एक ही बार का था, हम फिर से कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। कैथरीन को लगता है कि क्लोई उसे शायद ब्लैकमेल कर रही है। क्लोई को बहुत सारे पैसे देती है और वहां से जाने के लिए कहती है। क्लोई को बहुत ही हर्टफुल महसूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लोई डायरेक्टली माइकल के पास आई हुई है। माइकल से उसने बात की थी और माइकल की म्यूजिक टेस्ट के बारे में भी उसे पता है। माइकल को जो आर्टिस्ट पसंद है इस आर्टिस्ट की वो सीडी लाती है। माइकल क्लोई को देखकर सरप्राइज होता है। ये दोनों एक दूसरे से सही से बात करते हैं। माइकल घर आकर ये सॉन्ग्स लगाता है। जब कैथरीन ये सुनती है तब उसे लगता है कि क्लोई घर पर है, क्योंकि उसे क्लोई के सॉन्ग्स के बारे में पता था। वो डिस्टर्ब होकर सब जगह पर क्लोई को ढूंढती है। इसके बाद क्लोई का उसे कॉल आता है। क्लोई उसे कहती है तुम्हारे हस्बैंड का मुझे फिर से कॉल आया था, आज वो मुझसे इंटीमेट नहीं होना चाहता था, उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। उसने मुझे कहा कि जब वो मेरे साथ होता है तब उसे लगता है कि तुम पर वो चीट कर रहा है। कैथरीन को यह अजीब लगता है। क्लोई को रात में एक जगह पर वो बुलाती है। रात में कैथरीन कैफे में जाकर वेट कर रही है। यहाँ हम देखते हैं कि उसने डेविड को भी बुलाया था। वो डेविड को कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे से ऑनेस्ट रहना चाहिए, जो भी हमने किया है हमें एडमिट कर लेना चाहिए। वो फिर डेविड से पूछती है कि तुमने फ्लाइट मिस कर दी थी उसके बारे में मुझे बताओ। डेविड कहता है कि ठीक है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरा रिटायरमेंट एक एक साल आगे आता रहता है, उसे रिटायर होना अच्छा नहीं लगता, अपने काम से वो प्यार करता है, उसे काम करना अच्छा लगता है। वो कहता है कि मुझे बर्थडे पसंद नहीं है इसीलिए मैंने जानबूझकर फ्लाइट मिस कर दी थी। उसके बाद मेरे स्टूडेंट के साथ मैं ड्रिंक करने के लिए गया था,
वो यहाँ क्लियर करता है कि मैं सिर्फ ड्रिंक करने के लिए गया था, मैं और मेरे स्टूडेंट के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रही हो। ये सब वो कैथरीन को एक्सप्लेन ही कर रहा था तभी क्लोए वहाँ आ गए। क्लोए ने डेविड को जब नोटिस किया तब वहाँ से वो चली गई। डेविड कैथरीन से पूछता है कि वो कौन थी। डेविड को क्लोए के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कैथरीन रियलाइज करती है कि डेविड के बारे में क्लोए सब कुछ झूठ कह रही थी। कैथरीन अब कन्फेस करती है, कहती है कि मेरा जो अफेयर था वो खत्म हो चुका है, मैंने जो भी किया वो अनएक्सपेक्टेड था और सब कुछ मैंने अब खत्म कर दिया है। डेविड इस पर बहुत ही नाराज होता है, वो कहता है कैसे कैसे तुम कर सकती हो, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई चांसेस नहीं मिले, पर मैंने अपने आप पर काबू रखा था, तुमने मुझे मेरे काम से बुला लिया और ज्यादा कुछ मुझे बता भी नहीं रही हो। गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। कैथरीन उसके पीछे पीछे आती है। कैथरीन ने जो भी सब किया था, क्लोए ने उसे पैसे दिए थे डेविड से मिलने के लिए, ये सब चीजें वो डेविड को समझाती है। वो फिर अपने आप को एक्सप्लेन करती है, कहती है कि जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है वैसे तुम और भी ब्यूटीफुल होते जाते हो, तुम्हारे सामने मैं थोड़ी भी ब्यूटीफुल नहीं दिखती। ये सब सोचकर कैथरीन को बहुत ही बुरा लगता है। इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रही, तो कैथरीन कहती है कि ये मेरी ही गलती है। जब उसकी प्रेगनेंसी हुई तब उसे लगा कि वो अब ब्यूटीफुल नहीं रही, वो डेविड से अपना डिस्टेंस बनाने लग गए और वहां से सब कुछ गलत होने लग गया। मूवी में हमने देखा है कि डेविड जब कैथरीन का लोशन स्मेल करता है तब उसने पहली बार ही स्मेल किया है। यहाँ कैथरीन को पता चल जाना चाहिए था कि डेविड और क्लोए के बीच में कुछ भी नहीं है, पर वो मानने के लिए रेडी नहीं थी। डेविड कैथरीन को समझ लेता है, उसे वो माफ कर देता है। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि क्लोए कैथरीन के घर के बाहर आ जाती है। माइकल उसे दिखता है और ये दोनों बात करने लगते हैं। माइकल उसे अपना घर दिखाता है। क्लोए फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। उसे कहती है कि तुम्हारी मदर के रूम में हम चलते हैं। जब रात में कैथरीन घर पर पहुंचती है तब उसे शॉक लगता है, वो माइकल को रूम से बाहर निकाल देती है। कैथरीन बहुत ही गुस्सा है क्लोए को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। क्लोए कहती है कि तुम मुझे पैसे देकर भगा नहीं सकती, हम दोनों में जो है ये बहुत ही यूनिक है। क्लोए जरा कंफ्यूज्ड भी है, वो एक अच्छे लड़के को डेट करना चाहती है, माइकल उसकी डेटिंग लाइफ के लिए एक अच्छा लड़का हो सकता है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था क्लोए वॉशरूम में रो रही थी, उसने बाहर आकर कहा कि आदमी बहुत ही घटिया होते हैं, वो पहले ही हर्ट हो चुकी थी। कैथरीन ने उसे जरा सिंपथी दी, कैथरीन को लेकर उसमें फीलिंग्स डेवलप हो गए। क्लोए को माइकल कैथरीन की तरह ही लगता है तो कहती कि मुझे उसे डेट करना है। कैथरीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो भी कर रही हो ये बहुत ही गलत है। वो कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो ठीक है, पर मेरे हस्बैंड से ही मैं प्यार करती हूँ। क्लोए कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। कैथरीन ने माइकल को रूम से बाहर निकाल दिया था, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था पर आ नहीं पा रहा। वो बैक डोर से क्लोए और कैथरीन के पास पहुंचता है। क्लोए बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है, उसकी हेयर पिन वो निकालती है, एक शार्प ऑब्जेक्ट है, कैथरीन के गले पर उसने लगाया हुआ है। अचानक से माइकल वहां पहुंच जाता है और कैथरीन क्लोए को धक्का देती है। इस धक्के की वजह से क्लोए खिड़की से बाहर गिरने वाली है। वो अगर चाहती तो अपने आप को संभाल सकती थी, पर वो रियलाइज करती है कैथरीन उसकी कभी भी नहीं हो सकती। वो फिर हाथ छोड़ देती है और नीचे गिरकर मर जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कैथरीन ने जो हेयर पिन पहनी है ये क्लोए की है। क्लोए की हमेशा से विश थी कि कैथरीन उसकी हेयर पिन पहने, कैथरीन ने पूरी की है। कैथरीन ने भी इसकी रिस्पेक्ट की है और वो हमेशा ये हेयर पिन अपने हेयर्स पर लगाती है। यही मूवी एंड होती है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलें। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।